मुंबई 1980 सड़कों पर खोले आम खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com। व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना है तो बनेगी कि वो मिल जाए। पोपली, आज हमें ऐसे सजाना कि पूरे समारोह हमसे अधिक सुंदर और कोई ना दिखे। जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आप अभी तक तैयार नहीं हुई समारोह के लिए? चलिए शीघ्र तैयार हो जाइए। नहीं माँ, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं जाना। आपको चलना पड़ेगा। सदैव कितनी साधारण बनकर रहती हैं आप, किंतु आज हम स्वयं अपने हाथों से तैयार करेंगे अपनी प्यारी बेटी को। चलिए जल्दी से इन्हें पहन लीजिए। माँ क्या कर रही हैं आप? पहले तो आप हमारे लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, अब उन सपनों को सजाने में लग गए। क्या हम अकेले हैं जो ये सपने देख रहे हैं? अगर आप भी अम्मी जान के मानिंद हमें बिजोलिया जाने से रोकने के लिए आए हैं तो हमारा आपको एक ही मशवरा है खान बाबा कि आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा फैसला बदलेगा नहीं। नहीं शहंशाह, हम ऐसा कुछ नहीं कहने आए हैं आपसे, बल्कि हमारे ख्याल से आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कर रहा है वहां महमूद शाह, कैसे उसको भेजा हुआ सारा असला रसद बारूद और सोना लूट रहा है प्रताप, कैसे। और हम ये भी जानते हैं शहंशाह कि अगर कोई शख्स प्रताप को शिकस्त दे सकता है तो वो शख्स हैं आप। तो फिर मकसद क्या था हमें रोकने में आपका? हम तो बस एक गुजारिश करना चाहते हैं आपसे शहंशाह कि हमें भी अपने साथ ले चलिए। बहुत खतरनाक है ये मुहिम, इस मुहिम में आपको हमारी मदद की जरूरत होगी। हम हारे हुओं की मदद से कामयाबी हासिल करना नहीं चाहते, ये हमारी मुहिम और इसे कामयाब भी हम ही बनाएंगे शहंशाह। सल्तनत तो यह आपके अब्बा मरहूम की जाती मिल्कियत नहीं है, जिसे आप जब चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी के साथ खतरे में डाल दें। अपनी जिंदगी दी है हमने इसे बनाने में, बढ़ाने में, अपने जीते जी हम आपको ऐसी खतरनाक मुहिम पर अकेला नहीं जाने देंगे। हमने अपनी हद से बाहर कुछ बोल दिया है तो हम अपनी खता के लिए माफी चाहते हैं शहंशाह। अगर हमने अपने हाथों से जिसे पाला पोसा बड़ा किया, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। हम भी चाहते हैं शहंशाह कि आप प्रताप को खत्म करें, हम भी चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। इतने विशाल सांस्कृतिक समारोह में कोई कुछ गलत करने का प्रयास ही नहीं करेगा बाबूजी दास। देखिए कितने सारे लोग हैं यार। बेनी दास आप ठीक कह रहे हैं, पर अतिरिक्त सचेत रहने में भी कोई हानि नहीं है। क्या दिख रहे हैं सभी लोग आप लोगों को असभ्य कहेंगे। पोपली हमने तुमसे कहा था ना कि ये हमारा सर्विसेज लहंगा नहीं है, पर आपका हमारी अवज्ञा की तो आदत ही पड़ गई है। पर भाई साहब यहाँ पे सब लोग तो आप ही को ही देख रहे हैं। सब लोग कहाँ देख रहे हैं हमें? ठीक है हम अभी जाकर कुंवर प्रताप को बोल देते हैं, यदि उन्हें हमारे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता तो हमें भी उनके होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। झगड़ा और वो भी कुंवर प्रताप से? नहीं नहीं समझ में आई आपके। हम कितना कहते थे आपसे कि अच्छे गहने पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, पर आप हमारी बात ही नहीं मानते थे। पर आज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे अजब थे, इतनी तैयारी किसके लिए बताइए? हमें पहले ही बहुत लाज आ रही है। अजब थे देखिए तो सब कैसे देख रहे हैं आपको। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जब आप आई थी ना तो हम भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। फूल पहले आप अपने आप को एक बार देखिए, इसे कहते हैं सुंदरता। वो तो है, सुंदर तो हम है ही, क्या कर सकते हैं। जी कहाँ है देखे आपने? वैसे भीम आपको पता है हमें अभी अभी किसी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कि राजकुमारियों को ऐसे मत देखो, लोग इसे असभ्य मानेंगे। हाँ हमने बोला था और ठीक ही बोला था। वो तो हम अजबदे को इसीलिए देख रहे थे क्योंकि क्योंकि वे आज सामान्य दिनों से बहुत अलग लग रही है, इसलिए। सुनिए आज कितना आनंद का दिन है ना। हाँ वो तो है, पर आप तो इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं जैसे आप ही की बेटी का विवाह हो रहा हो। तो इसमें क्या है, आप देख लीजिएगा हमारी बेटी का विवाह इतने बड़े राजकुमार के साथ होगा जो वीरता और विनम्रता दोनों की मूर्त हो।
हंसा भाई जी, कम से कम कुंवर प्रताप को देखते हुए ये बातें ना कहें, कहीं ऐसा ना हो आप ही की तरह आपकी बेटी भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दे जो जीवन भर कभी पूरे होने वाले नहीं है और जीवन भर उसे रोना ही पड़ेगा जी। सुनिए सुनिए, बिजोलिया के राजमहल में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों, आप सबकी प्रतीक्षा का क्षण समाप्त हुआ, क्योंकि मारवाड़ से आई नृत्य की मेनका अर्थात प्रसिद्ध नर्तकी लाल बाई जी कुछ ही क्षणों में आप सबके समक्ष अपने चमत्कारी नृत्य से हम सबका मनोरंजन करेंगी। तो स्वागत है लाल बाई जी का। कुंवर प्रताप की उपस्थिति में अपनी कला का प्रदर्शन करना हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए आज का हमारे नृत्य वरवधु के साथ साथ कुंवर प्रताप को भी समर्पित समझा जाए। सारे आयोजन की तैयारियां करें चालम सिंह और नृत्य समर्पित कर दिया प्रताप को। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कौन हो आप? हम कौन नहीं, हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे। हम वो हैं जो भीतर में नृत्यांगना है ना लाल भाई, उनके सहायक हैं। और ये जो घुंघरू हमारे हाथ में है ना, दरअसल उनके पैर में होने चाहिए थे, किंतु उनके पैर में जो तब आएंगे जब हमारे हाथ से निकलेंगे, और हमारे हाथ से तो तब निकलेंगे ना जब हम भीतर जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई, क्षणिक सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। हटिए, द्वार खोलिए। आपके भाई बलवंत को देख रहे हैं। आप यहीं रुकिए। कितने वर्षों पश्चात हम पुनः उसी महल में आए हैं जहां हमारी सुगंध वाली रानी आई थी। सुगंध वाली रानी की सांत्री आज भी हमें याद है। सुगंध वाली रानी आओ, हमें इतनी याद मत आओ। प्रणाम प्रणाम। इस दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे नृत्य हो रहा है। ये उत्सव कक्ष इधर नहीं, इधर है। इधर है? ओहो, किंतु हम इधर नहीं, हम इधर जाना चाहते हैं। अब क्यों जाना चाहते हैं हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि हम उधर जाएंगे तभी तो रस्सी के सिरे को काट पाएंगे। रस्सी का सिरा कटेगा तभी तो झूमर गिरेगा, झूमर गिरेगा तभी तो प्रताप की मृत्यु होगी। पागल हो क्या? शान शान बताते हैं। ये धरिए 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 धरिए, आइए बताते हैं। ये क्या कर रहा?
क्या लगा आपको? हमारी योजना बताने के पश्चात हम आपको होश में रखेंगे? हमारा माथो घूम गया है? किसी ने हमें बुलाया? सुंदर सुंदर सुंदरियां, सुंदर सुंदर सुंदरियां का हमारे जीवन में अति महत्व है, किंतु सुंदर सुंदर सुंदरियों के कारण यदि हमारा जीवन ही संकट में आ जाए तो हम क्या करेंगे? ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। ये क्या? ये भी कोई विश्राम करने की जगह है? राव महामूर्ख क्या सोचेंगे? आइए, हम आपको अच्छी जगह ले जाते हैं। आइए। मेरे नृत्य के असर में डूबने और झूमने लगे, मैं एक एक करके पारी पारी सबको अपने नृत्य में खींच लूं। तत्पश्चात प्रताप को भी आप खींच कर झूमर के नीचे ले। इसलिए आपको हर वक्त उस झूमर की रस्सी के पास ही रहना पड़ेगा, ताकि जब मैं इशारा करा कर दूं तो इस खंजर से मैं झूमर की रस्सी को काट काट फिर झूमर झूमर सुगंध वाली रानी, इसी महल में हमने कितने प्यार से आपको पुकारा था। सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ। कौन है? कौन है वहां?
रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ? जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी हैं, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com